नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद समाधान में। दुनिया भर में फैले सभी एक्सपर्ट के जो शानदार वीडियोस, शानदार राय, शानदार किताबों में जो शानदार बातें आपके लिए लिखी गई हैं और जिनका इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, वही चुन चुनकर हम आयुर्वेद समाधान पर लाने वाले हैं। तो आप इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी 4 मिलियन से ज्यादा की इस कम्युनिटी में आज तक कितने सारे लोगों को कई ऐसी फिटनेस की बातें बताई गई हैं जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया है। तो आप भी इस स्वस्थ जीवन की मुहिम में शामिल हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अगर आपको ये पसंद आता है। तो आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर आजकल की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे जो व्यूअर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से अगर अभी 100 बंदे अपना फैटी लिवर चेक कराने जाते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो उसमें से 80% लोगों के लिवर फैटी मिलेंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि अभी हमारा खाना और पीना, हमारे घर में भी, हम जब हमेशा कहते हैं कि बाहर का खाना, अब जो बाहर का प्रदूषण है, बाहर की जो दूषित चीज़ें हैं, मिलावटी चीज़ें हैं, धीरे धीरे हमारे किचन में भी सेंध लगा रही हैं, हमारे किचन में भी प्रवेश कर रही हैं। और ऐसी स्थिति में आप चाहे बाहर खाएं अंदर खाएं, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हमारे पास कई प्रकार के मैसेजेस आ रहे थे जिसमें फैटी लिवर की समस्या को लेकर लोगों ने कई सवाल पूछे थे। फैटी लिवर के बारे में एक सवाल हमारे पास आया जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या फैटी लिवर वाकई नुकसानदायक है, भविष्य में इसके बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं क्योंकि अल्ट्रासाउंड कराया था और फैटी लिवर आया थोड़ा सा। तो हमने आज इस वीडियो को इसीलिए बनाया है दोस्तों। हाँ, थोड़ा सा चिंता की बात तो होती है फैटी लिवर, लेकिन इसको आप बड़े आराम से ठीक भी कर सकते हैं। फैटी लिवर से डायबिटीज हो सकती है या नहीं, आज हम आपको बताएंगे। तो आपके शरीर के लिए लिवर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए इसको लिवर कहा गया है, मतलब लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट भाग लिवर, और यही आपके लिए जीवन देता है, आपके शरीर को जीवन देता है। सभी पोषक तत्व यहीं से रजिस्टर होकर आपके शरीर को बारी बारी से मिलते हैं और सभी पोषक तत्व आपके शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति लिवर के थ्रू ही करते हैं। अब मान लीजिए यही खराब है तो आपके शरीर में कई और तरह की बीमारी लगने का खतरा बढ़ ही जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है कि जब आप बाहर का ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो उसमें जो मिलने वाला फैट, सैचुरेटेड फैट होता है, वो आपके लिवर में जमना शुरू हो जाता है और इससे जो है उसी को हम फैटी लिवर कहते हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि एक लिवर के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शिव कुमार सरीन, उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें बताई जो थोड़ी सी चिंता का विषय हैं। उन्होंने यहाँ बताया कि फैटी लिवर से डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर फैटी लिवर काफ़ी दिन तक रुका रहे या फिर आप उसका कोई इलाज ना कराएं, आप खान पान में सुधार ना करें, तब आपके लिए ये बड़ी परेशानी बना सकता है। फैटी लिवर एक ऐसी चीज़ है, अगर आप खान पान बहुत सिंपल कर देते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, तला हुआ नहीं खाते हैं, सिंपल खाना खाते हैं, तो भी ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक हो जाता है बिना किसी दवाई के। तो मैं आपको बात कर रहा था स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिव कुमार सरीन की, जो कि जाने माने स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि डायबिटीज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर फैटी लिवर होता है तो। डॉक्टर सरीन ने बताया कि लिवर के सेल में आपके ग्लूकोज को हजम होना होता है। ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए आपके लिवर के अंदर इंसुलिन को जाना होता है। वो जो ग्लूकोज है तभी हजम हो पाता है, तभी डाइजेस्ट हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता इंसुलिन के बिना। हजम होने पर एनर्जी बनती है और उससे आपका शरीर चलना शुरू हो जाता है। ग्लूकोज वाली जो ड्रिंक्स होती है वो उन्हें एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से भी इसीलिए जानते हैं कि वो तुरंत आपके शरीर को शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। अगर लिवर में फैट है तो इंसुलिन अंदर ही नहीं जाती और ऐसे में और अधिक इंसुलिन की जरूरत पड़ जाती है। नॉर्मली जो काम 2 यूनिट में होता है उसके लिए 20 यूनिट इंसुलिन की जरूरत होगी, यानी कि 15 यूनिट इंसुलिन लिवर में अधिक डालनी पड़ेगी। पैनक्रियास से वो इंसुलिन आपके लिवर में आएगा, ऐसे में लिवर पैनक्रियास को संकेत देता है कि उसे और इंसुलिन की आवश्यकता है। अब ऐसे में थोड़े दिन बाद पैनक्रियास थक जाएगा और क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा, पैनक्रियास क्षतिग्रस्त हो जाएगा और पैनक्रियास को ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा टेढ़ी खीर होता है। तो जैसे ही फैटी लिवर हो इसका इलाज करवाएं, इसको ज़्यादा देर तक फैटी लिवर ना छोड़ें, यह आपके लिए बहुत हितकर होगा।
पैनक्रियास को इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी होगी, तो वो थकेगा नहीं और आपको डायबिटीज का खतरा नहीं होगा। यानी फैटी लिवर होते ही तुरंत डॉक्टर से मिले और इसका इलाज कराएं, तभी आपके लिए फायदेमंद है। हम जो खाते हैं या ग्लूकोज लेते हैं तो दो जगह जाता है, पहला लिवर में और दूसरा मसल्स में। अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है तो वो शुगर यूटिलाइज तो हुआ नहीं, तो वो लिवर में चला जाएगा। ऐसे में अगर लिवर में शुगर जाएगी तो उसका तो काम ही है जो आता जाए उसे स्टोर करते रहो। ऐसे में शुगर फैट में कन्वर्ट होती जाएगी और आपका लिवर फैटी होता चला जाएगा। तो आपका फैटी लिवर होने का कारण ये हुआ कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आप खाते तो पूरा है, जितना खाना चाहिए आपके शरीर के अनुसार, जितनी आपको भूख लगती है, लेकिन आपको जो फिजिकल एक्टिविटी की आवश्यकता है वो आप बिल्कुल नहीं करते। आप घर में या तो पड़े रहते हैं, या फिर कॉलेज से आने के बाद या स्कूल से आने के बाद घर में पड़े रहते हैं, या अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ऑफिस में पूरे दिन चेयर पे बैठे रहते हैं। आपकी ऐसी कोई नौकरी है जहां आपको बैठने का काम है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी एक्टिविटी ना होने के कारण ग्लूकोज की जो मात्रा है वो यूटिलाइज नहीं होती और आपको डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो समझे आप कि ये बीमारी पूरी तरीके से लाइफस्टाइल पर आधारित है। मतलब आप अगर एक्टिविटी नहीं करेंगे तो फैटी लिवर होगा, फैटी लिवर होगा तो पैनक्रियास ज्यादा इंसुलिन देने के चक्कर में थक जाएगा, और ज्यादा इंसुलिन देने के चक्कर में थकने के बाद वो इंसुलिन देने में गड़बड़ी करेगा, और फिर जो ग्लूकोज आ रहा है वो लिवर में इकट्ठा होता रहेगा और डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये थी जानकारी एक्सपर्ट के द्वारा, जिन्होंने बताया कि अगर आपका फैटी लिवर है अपने डॉक्टर से मिले। हाँ, फैटी लिवर कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ज्यादा दिनों तक आप इसको पाले रखेंगे तो ये बड़ी समस्या बन सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन लोगों को भी भेजें जो घर में पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। आप कई बार उनको बोल चुके हैं कि सुबह आप घूमने जाइए, वॉक करिए, या फिर रनिंग कीजिए, या जिम जाइए। तो आप ऐसे दोस्तों को इस वीडियो को जरूर भेजिए ताकि उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ चीजों को समझने की एक शक्ति आए और वो कुछ कदम उठाएं। ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें आयुर्वेद समाधान। नमस्कार।